हे व्हाट्स अप दोस्तों, तो ये है अपना सेकेंड वीडियो $71 एवरीडे चैलेंज फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग का, राइट। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीश सिलेक्शन के बारे में कि आपके लिए कौन सा बेस्ट नीश रहेगा, कौन से 3 टॉप नीशेस हैं एंड कौन सा नीश आपको पिक करना चाहिए एंड उसको प्रमोट करना चाहिए, प्लस एफिलिएट नेटवर्क्स, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। And आज का जो लाइक टारगेट है वो है 250। मुझे 250 लाइक आपको ला के देना है। 250 लाइक के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। एंड थैंक यू, मैंने लास्ट में जो टारगेट दिया था, मैंने देखा आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसे कंप्लीट किया। मेक श्योर आप ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहे एंड प्लीज जल्द से जल्द 14,000 सब्सक्राइबर हमें कंप्लीट करने हैं एंड हमें जाना है 20,000 सब्सक्राइबर पे इसी मंथ में एनी हाउ। सो मेक श्योर आप शेयर जरूर करें, बहुत शेयर करें, हर ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो अब सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं कि कैसे आपको नीश सिलेक्शन करना है और नीश क्या होती है अगर आप पूरे बिगिनर हो, एफिलिएट मार्केटिंग जानते भी नहीं हो। तो सो इस सीरीज के बाद 101% आप $100 भी अर्न कर सकते हो पर डे। आपको सही से सीरीज को फॉलो करना है, पूरी वीडियोस देखनी है, लाइक करना है और शेयर मस्ट, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करोगे उतने ज्यादा लोगों की हम लोग हेल्प कर पाएंगे, प्लस हमारा जो टारगेट है वो भी पूरा हो पाएगा। तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज और, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, सर मेरे पास मोबाइल है, क्या मैं मोबाइल से कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। 101% आप मोबाइल से कर सकते हो। अपने मोबाइल में जाओ, क्रोम ब्राउजर को ओपन करो, उसको डेस्कटॉप मोड में डालो एंड उसका यूज करना स्टार्ट करो। मोबाइल हो, पीसी हो, लैपटॉप हो, जो भी आपके पास, वट एवर यू कैन डू दिस ऑल द थिंग्स, राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आई टोटली एग्री, जो आप मोबाइल से नहीं कर सकते, बट हाँ आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैंने स्टार्ट किया था और जैसे मैंने अपनी जर्नी में बताया था। तो मेरी जर्नी वाली वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको नहीं पता ये $71 पर डे चैलेंज क्या है, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो जरूर देखो जो मैंने इससे पहले निकाली थी, राइट, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो गाइज, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज नीश, नीश क्या है। तो आंसर ये है, समथिंग यू लव टू डू दैट इज कॉल्ड नीश। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइक आपको पसंद है डॉग, तो आप घर में कुत्ता पालते हो एंड कुत्ते को आप घुमाने वुमाने ले जाते हो, राइट। सो अब कुत्ता एक क्या हो गया, एक नीश हो गया। अब कुत्ते के लिए कौन सा खाना चाहिए, क्या कुत्ते के लिए बेस्ट होगा, कुत्ते के लिए कौन सा पानी चाहिए, कौन सा कपड़ा चाहिए, ऑल द थिंग्स, कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, कैसे कुत्ते को ट्रेन करते हैं, राइट। ये सारी चीजें क्या हो गई, आपके लिए एक एसेट बन गई, एक प्रोडक्ट बन गया, उसको आपने अपना नीश बना लिया। अब आप उसको प्रमोट कर सकते हो, राइट, और उससे पैसे कमा सकते हो। वो भी आपके प्रोडक्ट नहीं होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में आप दूसरे के प्रोडक्ट को उठाते हो एंड उसको प्रमोट करते हो एंड उससे आप पैसे कमाते हो, ठीक। दूसरा एग्जांपल दूं तो, अगर आप मान लो एक सिंगर हो और आप गिटार का यूज करते हो, तो गिटार आपके लिए एक प्रोडक्ट हो गया। अब आप गिटार को आप सेल कर सकते हो एंड उससे पैसे कमा सकते हो, तो वो आपके लिए एक नीश हो गई, राइट। ऐसे ही करके अगर आप स्टडीज में अच्छे हो, तो आपको पता है कि कौन से कोर्सेज बेस्ट हैं, आप उन कोर्सेज को प्रमोट कर सकते हो और वो आपके लिए नीश हो गई। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तो स्पोर्ट्स में कौन से गैजेट्स लगते हैं, तो आप उन गैजेट्स को प्रमोट कर सकते हो एंड वो आपके लिए नीश हो गई। अगर आप गेमिंग में अच्छे हो, तो कौन से पीसी की जरूरत पड़ेगी, कौन सा हमें इक्विपमेंट यूज करना चाहिए, वो सारी चीजें आप लोगों को बता सकते हो और सेल कर सकते हो। तो ये होता है नीश, समथिंग यू लव टू डू दैट इज कॉल्ड योर नीश, राइट। वो आपका नीश बन जाता है। लाइक मुझे पसंद है कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे की जाती है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे सिखाई जाती है, मेक मनी ऑनलाइन, मतलब कि ऑनलाइन से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ये सब मेरा फेवरेट है। तो मैं लोगों को क्या सेल करता हूँ, ऑनलाइन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन से रिलेटेड कोर्सेज एंड ऑल द थिंग्स एंड आई हेल्प देम टू डू दिस ऑल द थिंग्स, राइट। तो आपको भी वही चीज़ करना है कि लोगों को हेल्प करना है, जो भी आपका पर्टिकुलर नीश है। बहुत ही ज्यादा डीपली जाके इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो में बने रहना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट जो है, यू नीड अ प्रॉफिटेबल नीश, बिकॉज सिलेक्टिंग अ नीश इज सो इजी। अब मान लो मैंने बोल दिया कि जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हो, राइट। अब आप बोल दोगे कि मुझे मान लेते हैं बहुत ईजी एफिलिएट मार्केटिंग में आपको कपड़ा पहनना पसंद है, तो आपने सोच लिया कि कपड़ा आपका नीश बन गया। बट अगर कपड़े का आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, बिकॉज यू नो कि 1,000 रुपये में, 700 रुपये में, 2,000 के अंदर अंदर ही आपको कपड़े मिल जाते हैं। अब आप कपड़े को सेल करोगे, तो वो सामने वाला जो पार्टी है जिससे भी आप ये कपड़ा लेके सेल कर रहे हो एफिलिएट मार्केटिंग में,
तो आपको प्रॉफिट होना ही नहीं है, बिकॉज यू नो कि एफिलिएट मार्केटिंग इज लाइक दिस। अगर आपको पता नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, हो सकता है किसी को पता ना हो, और मुझे लगता है कि सबको पता ही होगा, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया इस वीडियो में। सोचा दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि मान लो एक कंपनी है जो कुछ कपड़े बेचती है, एंड वो अपने कपड़े को मार्केट करना चाहती है, या वो अपने कपड़े को बेच नहीं पा रही है। तो अब आप क्या करोगे, आप उसके पास जाओगे और बोलोगे कि मैं आपके कपड़े को बिकवाऊंगा, पर आपको इसमें कुछ मुझे कमीशन देना पड़ेगा, राइट? तो आप एक मार्केटर बन गए, और आपने क्या किया, उस कंपनी के कपड़े को उठाया और मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दिया। जब वो कपड़ा सेल होगा तो वो कंपनी आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी, मतलब कि कुछ पैसे देगी, जो भी आपने उसके साथ डील तय की थी, इतना कमीशन देगी। तो वो कमीशन जो होता है वो होता है एफिलिएट कमीशन, और आप कहलाते हो एफिलिएट मार्केटर। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग, राइट? बहुत इजी बताया हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो आपको अब यहाँ से एक प्रॉफिटेबल नीश चुनना जरूरी है, राइट? आपने जान लिया कि नीश क्या होती है, अब प्रॉफिटेबल नीश आपको चुनना जरूरी है। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू सिलेक्ट अ प्रॉफिटेबल नीश। सो डोंट वरी, देयर इज ओनली थ्री टॉप नीश विच इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल, सो इट इज इजी टू गेट द प्रॉफिटेबल नीश। अब ये टॉप नीशेस क्या है, ये है वो तीन टॉप नीशेस। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत समय से होगे, या एफिलिएट मार्केटिंग में अभी अभी आए हो, तो थोड़ा सा देर, थोड़ा सा मतलब सोचो, थोड़ा देर आंख बंद करो और सोचो कि क्या आपको इससे अनरिलेटेड कोई भी ऐसा एफिलिएट मार्केटर दिखा है जो कुछ और प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है। आपको हमेशा सबसे ज्यादा दिखेगा कि लोग वेल्थ के प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, एज आई एम प्रमोटिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ प्रोडक्ट्स, राइट? ऑल्सो आई एम सेलिंग माई कोर्स, सो एज एन एफिलिएट मार्केटर माई नीश इज वेल्थ। तो मैं क्या सेल करता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर सेल करता हूँ, कोर्सेज सेल करता हूँ, बिकॉज मेरा नीश क्या है, वेल्थ। ऐसे ही अगर आप और भी ज्यादा सर्व करोगे तो आपको दिखेगा इंटरनेट पे। सो अटेंशन गाइस, आज का जो हमारा टारगेट है वो है 250 लाइक्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। बट हाँ, एक टास्क और मैं आपको देने वाला हूँ लास्ट में, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और थर्ड चीज, अगर नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो, बिकॉज आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पे मिलती है। और फोर्थ चीज, जो हमारा नया टारगेट है कि हमें 20,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करनी है, तो मेक श्योर हर बंदा जो इस चैनल को सच में फॉलो करता है एंड उसको लगता है कि वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है उसके लिए, आप चार ऐसे ग्रुप में जरूर शेयर करें जहां हमारा मार्केट है, मतलब कि अपने फ्रेंड्स के साथ जो इंटरेस्टेड है ऑनलाइन अर्निंग में, या एफबी ग्रुप्स में जो एफबी ग्रुप्स रिलेटेड है ऑनलाइन अर्निंग से। तो मेक श्योर कि आप ये तीनों टास्क जरूर करें, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू कि आप इस वीडियो को लाइक करें। जितना जल्दी 250 लाइक कंप्लीट होगा, उतना जल्दी वीडियोस आपको मिलेंगे ऑन एफिलिएट मार्केटिंग, राइट? और नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो। और एक चीज और, कमेंट में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, एंड लिखो कमेंट में एफिलिएट मार्केटिंग नीश, एफिलिएट मार्केटिंग नीश एंड एफिलिएट मार्केटिंग नीश, ये जरूर कमेंट में लिखो। वापस वीडियो में, जो एफिलिएट मार्केटर है वो हेल्थ की चीजें सेल कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो टाइम है वो काफी ज्यादा ऐसा हो गया कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, लोगों को फिट रहना पसंद आया है, राइट? तो ये भी एक बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नीश है। सबसे पहला वेल्थ, अगर आपको मेक मनी ऑनलाइन में बहुत ही ज्यादा मजा आता है पैसे बनाने में, तो आपका वेल्थ। सेकेंड जो है हेल्थ, अगर आप थोड़े से फिट हो और फिटनेस पसंद करते हो, बॉडी शॉडी बनाते हो, तो आपके लिए वेल्थ। एंड थर्ड जो है वो रिलेशनशिप, आप जितने लोगों को रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है, उसमें लोगों को ज्यादा एक्सपर्टीज है, लोग उसके बारे में ज्यादा जानते हैं, तो आप रिलेशनशिप वाला भी प्रोडक्ट उठा सकते हो मार्केट से, मतलब कि अलग अलग एफिलिएट नेटवर्क से। डोंट वरी, मैं बताने वाला हूँ कि एफिलिएट नेटवर्क्स होते क्या है, राइट? डोंट वरी। तो इन तीन जो नीश है, उन तीनों में से आपको एक पे काम करना है। इसके बाद बहुत सारे सब नीश भी होते हैं जिसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा डिटेल में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक जरूर करो, क्योंकि आगे बहुत सारी बातें आपको मैं आज समझाने वाला हूँ। प्रॉब्लम्स यू कैन फेस ड्यूरिंग दिस इफ यू ट्राई ऑल एट द सेम टाइम। अब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि बोलेंगे सर मैं मेक मनी ऑनलाइन भी प्रमोट करूंगा, मैं हेल्थ भी प्रमोट करूंगा, मैं रिलेशनशिप भी प्रमोट करूंगा, और वो हो जाएंगे कंफ्यूज, बिकॉज
माइंड सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम टाइम इट्स मीन द माइंड सेइंग नो बिकॉज ऑलवेज अ कंफ्यूज माइंड सेज नो नो नो. मतलब यही है कि जितना ज्यादा आप कंफ्यूज होगे उतना ज्यादा आप एफिलिएट मार्केटिंग से दूर हटोगे, आप नहीं चीजों को कर पाओगे बिकॉज आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप हमेशा बोलोगे नो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है एंड यू विल लूज द फेथ ऑन एफिलिएट मार्केटिंग. ट्रस्ट मी एफिलिएट मार्केटिंग इज द इजी वे टू मेक मनी ऑनलाइन. अगर आपको बहुत अच्छे से सीखना है तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, अप्लाई करें और प्लस मेरे टच में रहें. अगर आपको और मेरे टच में रहना है तो 90% मेरा एक एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है जो आपको काफ़ी अच्छे लेवल पर एफिलिएट मार्केटिंग सिखाता है और आपको बताता है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो और बहुत इजी तरीके से कर सकते हो. तो अगर आप चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, 90% ऑफ चल रहा है, आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो. कुछ समय तक ही ये प्राइस दूंगा क्योंकि यहाँ पर मैं 2.8 लाख रुपीस के बोनसेस आपको दे रहा हूँ, जिन बोनसेस में फेसबुक एड प्रो लेवल प्लस आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग प्रो लेवल की मिल रही है. तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको चेक कर सकते हो. अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं. Now let's talk about the sub niches. Come into the affiliate networks and let's know which type of product you can promote, right? So अब हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के प्रोडक्ट आप प्रमोट कर सकते हो और सब niches क्या होती है. मैं आपको affiliate networks भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिसमें आप फ्री में जाके रजिस्टर कर सकते हो एंड उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो. अब यहाँ पर देखो प्रो पॉइंट्स जो है जो आपको हमेशा याद रखनी है, 5 प्रो पॉइंट्स आपको दे रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. लर्न अबाउट द ट्रेंड्स. अभी चल रहा है जनवरी फरवरी, राइट? तो जनवरी फरवरी में लोगों का क्या होता है, एक न्यू ईयर गोल होता है कि भाई हम फिट रखेंगे अपने आप को सुंदर बनाएंगे, बॉडी शॉडी बनाएंगे. तो मान लो कि अभी लोगों को बहुत ज्यादा फिटनेस का बुखार चढ़ा हुआ है, तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स को ट्रायर वन की कंट्रीज में, मतलब कि यूएस यूके में प्रमोट करते हो तो काफी ज्यादा ये सेल होने के चांसेस रहते हैं. बिकॉज अगर आप गूगल ट्रेंड्स में भी जाओगे, गूगल ट्रेंड्स इज जस्ट अ टूल, आप गूगल में जाके गूगल ट्रेंड लिखोगे तो वहां पर एक वेबसाइट खुल जाएगी एंड वहां पर अगर आप फिटनेस लिखोगे तो देखोगे फिटनेस का बार बहुत ज्यादा हाई है. क्यों? क्योंकि लोगों का गोल रहता है कि भाई हम इस पूरे साल बहुत ही ज्यादा चुस्त रहेंगे और फुर्तीले रहेंगे, लाइक दैट थिंग्स. और आपको पता है कि एक जिम ऑनर बोलता है कि जिम में लोग पैसे कैसे कमाते हैं, यही महीने होते हैं पैसे कमाने के, बिकॉज लोग साल सर भर का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं जिम का, बट वो जिम साल भर नहीं जाते, सिर्फ 2 से 3 महीने करते हैं, देन उसके बाद वापस बैक टू द वर्क, राइट, बैक टू द नॉर्मल लाइफ. तो आप भी इन ट्रेंड्स का फायदा उठा सकते हो. आप जो भी प्रोडक्ट चॉइस कर रहे हो थोड़ा सा ट्रेंड को ध्यान में रख के चॉइस करो कि क्या ट्रेंड चल रहा है. तो अगर आप जनवरी में फरवरी में ट्रायर वन की कंट्रीज में फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो सो यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी. सेकेंड जो पॉइंट है, लर्न अबाउट व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर, राइट? अब ये आपको देखना है कि क्या आप जो भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो वो एग्जिस्ट करता है, लोगों को उसकी जरूरत है या नहीं है. आपको पता है कि हैंड सैनिटाइजर लोगों को पता ही नहीं था होता है या नहीं होता है इंडिया में कोविड से पहले, बट जब कोविड आया तो लोगों को पता चला कि कोई सैनिटाइजर होता है जिसको आप यूज कर सकते हो और पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, उससे आपके सारे जर्म्स भी मर जाते हैं, राइट? तो लोगों को पता चलने लगा भाई ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है. तो अब क्या हुआ, उस प्रोडक्ट की नीड है मार्केट में, तो बहुत सारे लोगों ने हैंड सैनिटाइजर की कंपनी डाल दी एंड दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, राइट? अब ऐसे ही लोगों को पता चला कि भाई ऐसा हमारे पास जॉब होना चाहिए कि हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पे कर सकें और काफी ज्यादा पैसा कमा सकें. तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने स्टार्ट कर दिया होम जॉब्स, मतलब कि एफिलिएट मार्केटिंग एंड बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस जो इंटरनेट पे हो सकते हैं, तो उस चीज की भी लोगों को नीड हुई. ऐसे ही अगर आप जो भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो उस प्रोडक्ट की नीड मार्केट में होनी ही होनी चाहिए, वो आपको जरूर ध्यान देना है. थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्न अबाउट इन विच प्रोडक्ट यू बिलीव सो यू कुड रेफर अदर्स. देखो आपको वही प्रोडक्ट रेफर करना है जिनमें आप बिलीव करते हो, वही प्रोडक्ट सेल करना है जिसमें आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट बेस्ट होगा मेरी ऑडियंस के लिए, बिकॉज आपका गोल हमेशा लोगों की हेल्प करना होता है. यहां मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अपना टाइम दे रहा हूं, बट यू नो व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज आई एम रियली 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 ट्राइंग टू हेल्प यू एंड
101% मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो से आपको हेल्प कर रहा हूँ। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपका और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट दूँ और अपना टाइम निकाल सकूं आप लोगों के लिए। सो हमेशा आपको ये चीज जरूर देखना है कि क्या वो प्रोडक्ट जो आप लोगों को देने वाले हो वो लोगों के लिए बेनिफिशियल है, आप उसमें बिलीव रखते हो या नहीं रखते हो। जब तक आप इन तीनों पॉइंट्स पे ध्यान से काम नहीं करोगे, आप एफिलिएट सेल जनरेट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट टू मोर पॉइंट, ऑलवेज प्रमोट अ प्रोडक्ट विथ मिनिमम 50% कमीशन। गाइज देखो, एट द एंड जो हमारा गेम है वो यही है कि हमें भी पैसा मिलना चाहिए। जब हमें पैसा मिलेगा तभी हम आगे काम कर पाएंगे। तो हमेशा आपको वो प्रोडक्ट प्रमोट करने जो एटलीस्ट आपको 50% कमीशन देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमेजोन में एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, एंड मैं सख्त लोगों को मना करता हूं कि आप अमेजोन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बिकॉज अगर आप एक प्रोडक्ट को सेल करने में जितनी मेहनत लगाते हो, जो 500 रुपए का, उतनी ही मेहनत आप $50 के प्रोडक्ट को सेल करने में लगाते हो। सो व्हाई नॉट कि हम $50 का प्रोडक्ट सेल करें और 50% कमीशन ले, मतलब कि $25। और वहीं अगर आप $500 का कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो अमेजोन से, तो वो आपको 6%, 2%, 3% कमीशन देता है। तो आपने जितनी मेहनत की उतना तो आपको मिला नहीं, तो कोई फायदा है नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप अलग अलग नेटवर्क्स पे जाएं एंड वहां के प्रोडक्ट को प्रमोट करें, जहां पर आपको 50% एट लीस्ट मिनिमम आपको कमीशन मिलता है। फाइव और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज गो विद अ हाई टिकट प्लस पैसिव इनकम प्रोडक्ट। आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, आपने अपना बिजनेस ऑटोमेशन पे सेट किया है इंटरनेट पे, क्यों? क्योंकि आपको लाइफ में फ्रीडम चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, मजा करना है, मतलब कि फ्री रहना है, फाइनेंशियल फ्री रहना है। तो कभी भी आप जितने भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो उनमें एक प्रोडक्ट आपका हाई टिकट होना चाहिए, मतलब कि इंडिया के अकॉर्डिंग $300 से ज्यादा, और बाहर के अकॉर्डिंग कम से कम $1000 का होना ही चाहिए एक प्रोडक्ट, मतलब कि आपको एक टाइम में 3-4 प्रोडक्ट पर ध्यान देना है अगर आप किसी नेटवर्क से प्रोडक्ट को उठा रहे हो तो। प्लस पैसिव इनकम, पैसिव इनकम इज द गेम इन एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब कि मान लो मैं एक बिल्डरल करके प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूं जो ऑल इन वन एफिलिएट मार्केटिंग टूल है। आप चेक कर सकते हो बिल्डरल के बारे में, नीचे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ऑल इन वन टूल है जो आपको हेल्प करेगा एफिलिएट मार्केटिंग में, जो चाहो तो आप उसमें रजिस्टर भी कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो अब इस प्रोडक्ट में होता क्या है, मैंने एक बार उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया, सेल कर दिया, अब उस प्रोडक्ट को जिन लोगों ने भी खरीदा है वो बेसिकली हर महीने उस प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब उस सब्सक्रिप्शन से भी मुझे 30% हर महीने मिल रहा है, मतलब कि मैंने एक बार प्रोडक्ट को सेल किया और बार बार मुझे 30% उस बंदे से आ रहा है जो बंदा उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। तो ये होती है पैसिव इनकम की पावर, और यही एक बहुत बड़ी चीज है एफिलिएट मार्केटिंग में कि आप बहुत ज्यादा पैसिव इनकम कमा सकते हो, एक टाइम करके काम करके बार बार पैसे आप अर्न कर सकते हो। अब नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूं एफिलिएट नेटवर्क्स में, एंड वहां पर आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें बताता हूं और सब नीशेस क्या होती हैं वो आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। सो गाइस, अब हम लोग आ गए हैं एफिलिएट नेटवर्क पे जिसका नाम है क्लिकबैंक। चार ऐसे नेटवर्क है जो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहला क्लिकबैंक, दूसरा जो है आपका डिजीस्टोर 24, तीसरा जो है वो आपका वॉरियर प्लस, और चौथा जो है वो आपका जेवीजू। चारों नेटवर्क्स में आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजी है। यू कैन सी द नेटवर्क्स लाइक जेवीजू 24 आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगा, आपको वॉरियर प्लस अगर लिखोगे warriorplus.com तो आपको मिल जाएगा, jvju.com लिखोगे तो आपको मिल जाएगा, क्लिक बैंक लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। एक प्रॉब्लम आएगी कि क्लिक बैंक में आपका आईडी क्रिएट नहीं हो रहा है। बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी क्लिक बैंक के ऊपर, आप जाके चैनल में ढूंढ के उसको निकाल लो और उसको देख लो, बस वही स्टेप आपको फॉलो करना है। प्लस एक स्टेप उसमें जोड़ रहा हूं कि अगर वो स्टेप से आपका क्लिक बैंक अकाउंट नहीं बनता है तो आपको करना यह है कि आपको अपना पूरा स्क्रेचेस को डिलीट करना है, मोबाइल की कुकीज को, एंड उसके बाद फिर अप्लाई करना है। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको दूसरा मोबाइल या दूसरा लैपटॉप या दूसरा कंप्यूटर यूज करना है एंड देन उससे रजिस्टर करना है। बस प्रॉब्लम यह है कि वो आपके मोबाइल के या लैपटॉप बोलो या कंप्यूटर बोलो डाटा को ट्रैक करते हैं कि आप कौन कौन सी साइट्स पे जाते हो। अगर वो फाइंड करते हैं कि आप ऐसी साइट्स पे जा रहे हो जो ब्लैक लिस्टेड है तो वो आपको एंट्री नहीं देते हैं। तो मेक श्योर आप अपने जो भी कुकीज है उनको डिलीट करें एंड देन उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर करें, 101% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब सब नीशेस क्या होते हैं, यहाँ पर देखो अलग अलग बहुत सारी नीशेस आपको नजर में आ रही है,
यहाँ आपको बहुत सारे अलग अलग निशेस नजर में आ रही है। यू कैन सी कि आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट एज सीन ऑन टीवी, बेटिंग सिस्टम राइट, कुकिंग, कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, फिक्शन, गेम, ग्रीन प्रोडक्ट्स, लैंग्वेज, मोबाइल, पेरेंटिंग, और यहाँ पर है स्लीप हेल्थ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एंड ऑल द थिंग्स, ट्रेवल, स्पोर्ट्स, सब है। ठीक है, तो अब हम लोगों की जो नीश है वो कौन सी नीश है? वो नीश है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड ई बिजनेस एंड ई मार्केटिंग, जो मेरी नीश है, राइट? हो सकता है आपकी ट्रैवल की हो तो आपको ट्रैवल में जाना है, हो सकता है आपकी हेल्थ की हो तो आपको हेल्थ में जाना है। तो मेरी जो है वो मैं यहाँ पर खोलता हूँ ई मार्केटिंग और ई बिजनेस। अब ई मार्केटिंग एंड ई बिजनेस में मैं जैसे ही जा रहा हूँ तो देखो यहाँ पर लिखा है एफिलिएट मार्केटिंग, आर्टिकल मार्केटिंग, ऑक्शंस, बैनर, ब्लॉग मार्केटिंग, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, कंसल्टिंग, कॉपीराइटिंग एंड ऑल द थिंग्स, राइट? तो ये जो सारी चीजें हैं ना, दैट इज कॉल्ड द सब नीश। अब सब नीश में मैं यहां पर जाऊंगा एफिलिएट मार्केटिंग में। अब एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर मैं जैसे ही जाऊंगा तो यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। अब जिस भी प्रोडक्ट को मैं चाहूँ उस प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रमोट कर सकता हूँ एंड आई कैन अर्न मनी, राइट? सो ये होता है आपका अलग अलग प्रोडक्ट्स और सब नीश। अब ऐसे ही अगर आप और भी चीजों में जाते हो, लाइक हम लोग चलते हैं लाइक हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ एंड फिटनेस में आप जाते हो तो हेल्थ एंड फिटनेस का मतलब सिर्फ बॉडी बनाना नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पर देखो ब्यूटी, डेंटल हेल्थ, ठीक है, जर्नल, मेडिटेशन, मेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशंस, रेमडीज, स्लीप एंड ड्रीम्स, राइट, स्पिरिचुअल, वुमेन्स हेल्थ, योगा। तो ये सारे क्या है? हेल्थ एंड फिटनेस के सब नीश हैं। अब इनमें अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। लाइक अगर मैं योगा में जाऊं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के योगा के प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनको आप प्रमोट कर सकते हो एंड आप अर्न कर सकते हो। मतलब कि ये आपको हर वो चीज देते हैं जो आप प्रमोट करो और पैसे अर्न कर पाओ अकॉर्डिंग टू योर नीश। मतलब कि जो आपको पसंद है, जिन प्रोडक्ट पे आपको लगता है कि यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, तो आप उन प्रोडक्ट को यहाँ पर आके चूज कर सकते हो एंड उनको प्रमोट कर सकते हो, राइट? तो ये होती है सब नीशेस। अब किसी भी मार्केट प्लेस में जाओ, अगर DG24 में भी मैं जाऊँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा बहुत सारे अलग अलग नीशेस, राइट? अगर मैं मान दो डेटिंग, लव एंड रिलेशनशिप में जाता हूँ और जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिनको आप प्रमोट कर सकते हो एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। मैंने आपको बोला था कि तीन टॉप नीशेस होते हैं हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। ट्रस्ट मी, रिलेशनशिप एक ऐसा नीश है, पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। अगर आप फेसबुक पे हो तो फेसबुक पे जाओ, सर्च करो रिलेशनशिप ग्रुप्स, यू कैन सी कि लोग पागल हैं इन नीशेस के लिए। आपको लग रहा होगा कि रिलेशनशिप में क्या प्रमोट करूंगा यार, थोड़ा सा आके सर्च करके देखो, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल्स, अ लॉट ऑफ पीपल्स दे आर लुकिंग फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। बिकॉज हम इंडिया में ये सारी चीजें महसूस नहीं करते हैं, बट बाहर फॉरेन में इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर आप बहुत सारा अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हो ऑन द टेबल। प्लीज कभी भी टेबल पर पैसे मत छोड़ो, डोंट लीव योर मनी ऑन द टेबल, कभी भी नहीं। राय गाइस, हमेशा जो चीज आपके सामने आती है उसके बारे में सर्च करो, किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये चीज याद रखना है एफिलिएट मार्केटिंग में और लाइफ में भी। सो गाइस, यहाँ तीसरा जो मैंने अपनी नीश बताया था वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, और उसके बाद आपको जो मैंने हेल्थ एंड वेल्थ सारी चीजें बताई थी वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो मार्केट प्लेस में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आप वॉरियर प्लस में जाओगे तो यहाँ पर आपको ज्यादातर आपको वो प्रोडक्ट मिलेंगे लाइक सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी ज्यादा लिस्टिंग है इनकी, और जो जो प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च होता है वो भी यहाँ पर ये एज अ नोटिफिकेशन भेजते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। उसके बाद आप JVZoo में जा सकते हो, JVZoo में भी आपको पूरे सेस प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मतलब कि सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे। SAA, ऐसा आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा एफिलिएट मार्केटिंग में, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग को फॉलो करो, सेस प्रोडक्ट्स बोलते हैं जिनको, बोलते हैं सॉफ्टवेयर्स। तो ये सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका आप एफिलिएट कर सकते हो एंड यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ये चारों जो मार्केट प्लेसेस हैं, ये चारों मार्केट प्लेस में आपको वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो 50% एटलीस्ट मिनिमम आपको कमीशन देंगे। तो मैं आपको हार्डली सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हो तो इन चारों में कोशिश करो कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। तीन में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, एक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, हो
हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो डोंट वरी, लीव एंड यहाँ पर काम करो डीजी स्टोर में, वॉरियर प्लस में और जेबीजू में, बिकॉज यहाँ पर सफिशियंट प्रोडक्ट्स हैं और एक से एक प्रोडक्ट है। तो गाइज अगर आप मेरे टच में रहना चाहते हो और बहुत डिटेल में सीखना चाहते हो, बिकॉज मैं प्राइवेट ग्रुप में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें और शेयर कर सकता हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हो प्राइवेटली, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा जो 90% ऑफ चल रहा है कुछ टाइम के लिए, बिकॉज उसका जो रेट है वो मैं तिबल चौबल करने वाला हूँ, जो उसका पुराना रेट था मतलब कि 9,000 के करीब, बट अभी 90% ऑफ चल रहा है, तो आप चाहो तो आप उसको ग्रैब कर सकते हो, जिसमें पूरा आपको 2.8 लाख रुपीज का मैं बोनस दे रहा हूँ। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, कमेंट में जरूर लिखो एफिलिएट मार्केटिंग नीश और मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी खराब जैसी भी, क्या व्यू है आपका वीडियो पे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट और लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। एंड एज यू नो कि 250 लाइक आपको जल्दी से जल्दी करना है, और मेन जो बड़ा अभी टारगेट अपने सेट किया है वो ये है कि 20,000 सब्सक्राइबर जल्दी करना है। तो हर बंदा, जो भी बंदा ये देख रहा है एंड वो इस चैनल को रियली फॉलो करता है, तो आपको 4 ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करना है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर कर सकते हो तो करो। एंड अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हो तो आप उसका एक वीडियो लेके इंस्टाग्राम पे भी मुझे टैग कर सकते हो, मेरा जो यूजर नेम है @ToheedAhmedOfficial आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहो तो मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिस कोर्स में मैं आपको और भी सारी चीजें सिखाऊंगा, प्लस आप मेरे प्राइवेट ग्रुप में रहोगे तो मैं आपको वहां पर और भी सीक्रेट शेयर कर सकता हूँ, मेरे टच में रहोगे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपका सॉल्यूशन भी दे सकता हूँ। तो आप चाहो तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो 90% ऑफ चल रहा है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से टारगेट पूरा करो तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगा, और कमेंट करके जरूर बताओ। जय हिंद।